राजीव गांधी का राजनीतिक जीवन बेहद क्रूर तरीके से समाप्त किया गया था। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार उन लोगों और संस्थानों को दिए गए हैं जिन्होंने शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को आगे बढ़ाने में विशेष योगदान दिया है। ये विषय हमेशा प्रासंगिक रहे हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसे समय में ये और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब अलगाव, नफरत, कट्टरता, पक्षपात की राजनीति को बढ़ावा देने वाली शक्तियाँ अधिक सक्रिय होती हैं, उन्हें सत्ता का समर्थन प्राप्त होता है। राजीव गांधी का राजनीतिक जीवन बेहद क्रूर तरीके से समाप्त किया गया था, लेकिन जितना कम समय उन्हें देश सेवा के लिए मिला उसमें उन्होंने अनगिनत उपलब्धियां हासिल की थी। वे भारत में मौजूद तरह तरह की बहुरूपता की सुरक्षा और संरक्षण के समर्थक थे। उनकी व्यक्तिगत और राजनीतिक विरासत से स्पष्ट होता है कि वे इस बात को लेकर बेहद संवेदनशील थे कि धार्मिक, जातीय, भाषाएँ और संस्कृति विभिन्नता का जश्न मनाकर ही भारत की एकता को मजबूत किया जा सकता है। राजीव गांधी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। 1988 में जब वे देश के प्रधानमंत्री थे तब पहली बार भारत सरकार ने उनकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण से योजना जारी किया था। यही नहीं, उन्होंने पंचायतों और नगरपालिकाओं में भी महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण के लिए दिलोजान से संघर्ष किया और लड़ाई लड़ी। अगर आज 15 लाख से अधिक चुनी हुई महिला प्रतिनिधि ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में है तो ये उनकी दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प का सर्वोच्च सम्मान है। वर्ष 1989 के संसदीय चुनाव में पहली बार 18 साल के युवाओं को, जिनमें आधी महिलाएं थी, को वोट देने का अधिकार दिया गया।